है टैलेंटेड इंडिया और मैं हूँ आपके साथ वागीशा और सीधे आपके साथ चलते हैं एक और खास अपडेट की ओर। आप ये तो जानते ही होंगे कि भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो सड़कें गली चौराहे लोगों से खचाखच भरे रहते हैं। इसके अलावा यातायात के साधन जैसे बस ट्रेनों आदि में भी भारी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस भीड़ के बीच में हर जगह आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें भारत में भिखारी कहा जाता है। जी हाँ, चाहे चौराहा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ट्रेन हो या रेलवे स्टेशन, हर जगह ये मिल ही जाएंगे। कहीं कोई अपाहिज दिखेगा तो कोई मेले कपड़े में, तो कहीं कोई बच्चे को लेकर भीख मांगते हुए औरत दिखेगी। जब हम इन जगहों से गुजरते हैं तो जरूर किसी न किसी भिखारी को कुछ रुपये दे ही देते हैं, क्योंकि उनकी हालत चेहरों को देखकर तरस आ ही जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से बहुत से भिखारी ऐसे होते हैं जो नकली होते हैं और देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। इनकी कला ऐसी होती है कि इनकी आगे कोई अभिनेता भी मात खा जाए। आपको बता दें कि एक जानकारी के अनुसार पिछले साल की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 4 लाख भिखारी हैं, जिनमें से लगभग 80,000 तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये तो महज दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े हैं, असल में तो इनकी संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि भारत में एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे भीख मांगते हुए दिखाए जाएंगे, जिनसे अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो बकायदा इंग्लिश में जवाब ही देंगे। भीख मांगना एक मजबूरी है उनके लिए जो अपाहिज है, दिमागी रूप से विकृत है, लेकिन लोगों ने इसे व्यवसाय बना लिया है। इसके लिए बड़े बड़े माफिया हैं जो बच्चों को चोरी कर उनसे भीख मंगवाते हैं। कुछ कामचोर गंदे कपड़े पहनकर फेक विकलांग बनकर भीख मांगते हैं। भारत में एक बात बड़ी अच्छी है, धर्म भले ही कोई हो, सभी में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दीनहीन और अपंगों की मदद को हर आदमी आगे देता है। लेकिन अफसोस, अब भिखारियों में गरीब और जरूरतमंद कम, पेशेवरों की संख्या सबसे अधिक दिख रही है। चौराहों पर बैठे कुष्ठ रोगी, नेत्रहीन, अपाहिज और वृद्ध अब नजर नहीं आ रहे हैं। इनके स्थान पर पेशेवर ही भिक्षावती सक्रिय है। जो लोग पेशेवरों से अनजान है वे इनके झांसे में आसानी से आ जाते हैं, मगर जो लोग इन्हें रोज देखते हैं वे इन्हें तवज्जो नहीं देते, इसलिए ये लोग सार्वजनिक स्थानों पर भी अधिक भीख मांगते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे कैसे वेशभूषा में आपको ये नकली भिखारी मिल जाएंगे। मेरी धोती और गोद में बीमार और भूखे बच्चों को लेकर भीख मांगती महिला, भूखी आड़ में भीख मांगते चितड़ों में लिपटे बालक, पैम्पलेट बांटकर बूढ़े माँ बाप के इलाज को पैसे मांगती जवान लड़की, टांग व शरीर के अन्य हिस्से में नकली जख्म बनाकर भीख मांगने वाले बच्चे, बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए मांगे कपड़े पहनाने वाले भिखारी, 3 या 4 जवान लड़कियों की शादी के लिए बसों व ट्रेनों में भीख मांगती महिला, गैर राज्यों की वैश में टिकट के लिए पैसे मांगता परिवार, तीर्थस्थलों पर जाने के लिए भीख मांगते साधु वेशधारी। वहीं कई अन्य ऐसे आदमी हैं जो कि नकली पैर और हाथ लगाकर सड़कों पर भीख मांगते हैं। तो आप लोग ऐसे भिखारियों से सावधान रहें, उन्हें भीख दें जो कि असल में अपाहिज है। आप लोग ये जरूर चेक करें कि उसको असल में जरूरत है कि नहीं। कई भिखारी हमको ऐसे दिखते हैं जो कि काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काम न करते हुए वो लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। तब तक लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ टैलेंट इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।